गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फ्रॉम होम प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय कानामाकर पब्लिक स्कूल वृंदावन। इन दिस प्रोग्राम वी प्रोवाइड यू वर्चुअल क्लासेस डायरेक्टली फ्रॉम योर होम। तो इन दिस वीडियो ऑफ 11th स्टैंडर्ड स्टडीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ यूटीज। यूटीज के सिलेबस को मैं एक बार डिस्कस कर दूं सबसे पहले अपने इस वीडियो में आगे आने से पहले। For your UT first syllabus, the chapters those are going to be the first two chapters. The very first chapter, Nature and Scope of Business, and the second chapter, Forms of Business Organization. अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये होगी कि सर, जो आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कराया है इन द एनसीईआरटी, दैट इज स्टेटेड एज द सेवंथ चैप्टर। बट मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेकेंड चैप्टर, बिकॉज जॉन स्ट्रक्ट कंपनी का फॉर्मेशन, जो पूनम गांधी जो बुक हमारे यहाँ लग रही है उसमें ऑलरेडी एडजॉइन करके दिया हुआ है। सो आपके ओवरऑल चैप्टर जो होंगे आपके यूटी में वो होगा द वेरी फर्स्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, एंड आफ्टर दैट सॉरी उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अलोंग विद दैट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके यूटी फर्स्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। टिल नाउ इन बिजनेस स्टडीज, since the day when we started our own organization, we learned about the business, we learned about industry, we learned about the factors which help us while conducting a business. And in second chapter we studied about how to select an organization if we'll have to go through the business. And after selecting the joint stock company, we also studied about how to form a company. Ab tak hum itna cover up kar chuke hain. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट आप सब ने कहीं ना कहीं रेलवे से ट्रेवल किया होगा। आपके मोहल्ले में कोई बिजनेस एंटरप्राइज है उसके ओनर को आप जानते होंगे। क्या आप रेलवे के ओनर को जानते हैं कौन है? जस्ट डू वन फेवर फॉर मी, मुझे पता करके बताइए रेलवे का ओनर कौन है। आपने पोस्ट किया होगा, आपने स्पीड पोस्ट किया होगा, आपने करियर की आपने कोरियर किया होगा, आपने कभी मनी ऑर्डर किया होगा, ये सब काम तो पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट का ओनर कौन है? अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये इनकी ओनर है गवर्नमेंट। तो आज का हमारा चैप्टर कुछ इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जिनकी ओनर गवर्नमेंट होती है। Because from the first and second chapter, we studied about all those organizations which were under the ownership of Indian government, of the private hands. यानी कि ऐसे organization जो private hands में थे। लेकिन इस chapter में हम study करेंगे some organization which are not in the hands of private hands, they are in the hands of government. तो chapter we are going to start in today's video is private, public and global enterprise. Private, public and global enterprise. तो मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया, गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ओनर गवर्नमेंट होती है। हमने पिछले चैप्टर में सारे के सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन किया है। तो इस चैप्टर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए फर्स्ट वील हैव टू नो अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, और शुड आई से इंडियन सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द बजट एंड मॉनेटरी ऑफ आवर कंट्री। इंडिया की इकोनॉमी मेजरली दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन पर मिलकर बनती है, और वो दो सेक्टर जो इंडिया की इकोनॉमी को बनाते हैं वो दो सेक्टर हैं आपके। सबसे पहला एंड मेजर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जो सेक्टर के बारे में मैं बात करूंगा वो है हमारा पब्लिक सेक्टर। अब
प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर आर दोस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या दोस सेक्टर जिसकी ओनरशिप जो है, जिसकी ओनरशिप जो है वो होती है इन प्राइवेट हैंड्स, यानी कि आपके हमारे, यानी कि इनका गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं है, जो प्राइवेट है इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल के हैंड्स में अगर किसी बिजनेस की ओनरशिप है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की। एग्जैक्ट इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ योर प्राइवेट सेक्टर, इन दिस द ओनरशिप इन द गवर्नमेंट हैंड्स, ओनरशिप इन गवर्नमेंट हैंड। अब उसके बाद आप लोग बोलेंगे सर हम ये गवर्नमेंट हैंड है तो हम इसको गवर्नमेंट सेक्टर ना बोल के पब्लिक सेक्टर वाले टर्म को यूज करते हैं। एक बात बताइए, गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर होम इन इंडिया, द डेमोक्रेसी इज देयर एंड डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अल्टीमेटली वॉट एवर दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज ओन्ड बाय द पीपल ऑफ आवर नेशन। यानी अगर रेलवेज की ओनर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट है, तो यानी कि रेलवेज के ओनर कौन है, रेलवेज के ओनर हम लोग हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हमको रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ। अब हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर को एंड पब्लिक सेक्टर को। किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन को, हम इन तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर रिकॉल करा दूं आपके एग्जाम के लिए भी, सोल प्रोप्राइटर्स आर दोस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड ही इज द सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। यानी अकेला पर्सन ही बिजनेस की हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड वही जिम्मेदार होता है जितना भी प्रॉफिट और रिस्क के लिए। सोल प्रोप्राइटर के बाद जो सेकेंड को हमने स्टडी किया था वो था आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। थर्ड जो था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर दोज बिजनेस विच आर रन बाय अ फैमिली एंड द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली इज वर्क एज द कर्ता एंड द होल सोल डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस। थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप आर द पार्टनरशिप काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पीपल कम टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा प्राइवेट में वो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्टनरशिप के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। व्हाट आर एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर एंड ये आपके प्रॉफिट जनरेशन के लिए नहीं बने होते। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर टू अवॉइड द मिडलमैन इन द मार्केट। इसके बाद लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है that is one of the major and जिसका खुद का अपना chapter था that is joint stock company। joint stock company क्या है इस बारे में मैं बिल्कुल discuss नहीं करूंगा because ये पूरा chapter joint stock company में मैं आपको करवा चुका हूँ what exactly a joint stock company is and how to form a joint stock company from a scratch idea to shape in its very practical form, ठीक है। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम फर्दर डिपार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएशन मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो इस साइड में मैंने जो इलैबोरेट किया दैट वॉज द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट हाउ इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड and what kind of private sector organization when it comes to the ownership in private hands. Now we will be highlighted towards the main point
the main focus point, the main highlighted point of this chapter, that is the public sector organization. If we talk about public sector organization for Indian economy, then we can classify public sector organization for Indian economy in further three types. इनको हम आगे three parts में divide कर सकते हैं, इसको public sector organization. और इसमें जो पहला type आएगा, वो आएगा आपका departmental undertaking. Departmental under पहला पार्ट आया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब आज के वीडियो में एक बार जो सर्कल का टच करूंगा इनको, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से. सबसे पहला जो पार्ट था पब्लिक सेक्टर का वो है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर दोस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन विच द वर्क इज डन इन द मिनिस्ट्रीज. जब गवर्नमेंट क्या करती है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलर वर्क की मिनिस्ट्रीज बना देती है, और उन मिनिस्ट्रीज के थ्रू जब किसी वर्क का या ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्शन होता है, तो उस तरह के डिपार्टमेंट्स को, उस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का आपका एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्ट एटसेट्रा. ठीक है, जितना भी आपका मिनिस्ट्रीज से बनके जितने भी काम होते हैं, BSNL हो गया, ये सारा का सारा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है. ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका स्टैचुरी कॉर्पोरेशन. अब व्हाट इज स्टैचुरी कॉर्पोरेशन? देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो सारा का सारा काम मिनिस्ट्री के अंडर में हो रहा था. स्टैचुरी कॉर्पोरेशन क्या है? स्टैचुरी कॉर्पोरेशन आर दोस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कम्स इन एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि जो स्टैचुरी कॉर्पोरेशन होते हैं वो उस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एग्जिस्टेंस में आते हैं, उनके एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. अब सर, हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है इंडिया में SBI किस एक्ट के अंदर आया है? इंडिया में SBI है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1955. RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1932. ऐसे ही LIC और ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एग्जिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से, एक पर्टिकुलर कानून के थ्रू होता है. तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं स्टैचुरी कॉर्पोरेशन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द थर्ड काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनीज कोई अलग से कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. गवर्नमेंट कंपनीज आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही होती है जिनका फॉर्मेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही होता है. लेकिन बस बात इतनी सी है, किसी भी अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में 51% की शेयर होल्डिंग किसी पब्लिक सेक्टर की है, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे. इसका एग्जांपल है आपका भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. इसका एग्जांपल है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या जाना? इस वीडियो में हमने जाना इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इस वीडियो में हमने जाना प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के डिफरेंशिएशन के बारे में. वी आल्सो स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, एंड वी आल्सो टच देयर पर्टिकुलर टाइप्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली चैप्टर पब्लिक सेक्टर में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में जाना, स्टैचुरी कॉर्पोरेशन के बारे में जाना, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में जाना. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अलोंग विद इट्स मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड फीचर. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ.